मेंटली डिस्टर्ब है या ये क्या बता रहा है या ये सही बता रहा है, इसने हथियारों की बात करी है देने की, इसने चार लोगों के फोटो भी दिखाए, इसका कोर्ट ये है, वो सारा जांच का सब्जेक्ट है सारा। हम आपके सबके सामने पुलिस आ रही है यहाँ पे, उसको इसका देंगे। और हमें पूर्ण रूप से है कि जो ये चीजें बता रहा है, यही जो बार बार कह रहे थे कि जो 26 तारीख के रिलेटेड किसी को कुछ हो सकता है, ये कुछ हो सकता है, तो वो ये मामले हैं कि क्या हो सकता है। सर पुलिस इसने पूरा हाथ दे दिया, उन्हें पूरा प्लान इनका ये है कि पिछली तरफ से ये पब्लिक के बीच में रहेंगे और ये पुलिस पे उस पर फायरिंग कर सकते हैं, ये उन्हें बताया कि हम पीछे से इन पर फायरिंग करेंगे। और पुलिस को ये लगाकर कि हमारे ऊपर फायरिंग किसान कर रहे हैं, और इनको ये भी बताया कि जो झंडा है अपना नेशनल फ्लैग, उसको किसान नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा है, तो इसने अंदर बताई, इसने बात बताई ये बच्चे कहाँ के हैं और कौन कौन इनकी टीम में शामिल है, ये पूर्ण रूप से एक जांच का सब्जेक्ट है। और हम चाहते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन है, आप सब लोगों ने 2 महीने से हमको देख रहे हैं, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन हमारा चल रहा है, आप सबकी नजरों के सामने आंदोलन है। हमारे पूरे वॉलंटियर्स यहाँ पे भी सिंगो बॉर्डर पे करीब 200 लोग हमारे बैठे हैं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये किसी संगठन से या पॉलिटिकल पार्टी से ये तो नहीं बताया इसने किसी भी पार्टी से हूँ, ये बताया कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ, इसको इसने फंड इसको कौन कर रहा है, ये जांच का सब्जेक्ट है कि किसने फंड करा, किसको इससे दंगे करवाने से किसको इसको फायदा होगा, तो ये पूर्ण रूप से जांच का हुआ है। और इसने बताया कि पुलिस वालों ने भेजा, लेकिन ये राई वालों का नाम बता रहा क्या है, हम बुलवा के उनको, ये हमारा ऑब्जेक्शन है भारत सरकार से कि इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमको पूर्ण रूप से स्पष्ट बताया जाए, हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिशन ये ना करें कोई भी चीज। और जो चार लोगों को ये कहा कि शूट करा जाएगा, उसमें फोटो भी ये बता रहा है कि चार लोग होंगे जो स्टेज पर होंगे, उनको जो फायरिंग पे वो कोई गलत काम भी सर, अगर आप उन चार लोगों के नाम बता सके तो बता दीजिए, नहीं तो ये बता दीजिए कि वो पंजाब के नेता हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, कहाँ से, ये नाम बता दें, कोई बात नहीं। चलो चार का भी आया, चार में कोई भी हो सकता है, जो स्टेज का मतलब चार एक बार तो होते ही होंगे, कोई भी हो सकते हैं। नहीं सर, हरियाणा से है, पंजाब के नेता है, नहीं अभी हथियार नहीं, पंजाब तो नहीं, पंजाब बताइए नाम हाँ। देखिए इन्होंने फोटो पहचानी थी, हम उनको उन नामों को सीक्रेट रखना चाहते हैं, लेकिन है वो पंजाब के 32 में से, ये क्लियर बात है कि वो पंजाब वाले जो हैं उनमें से चार को एनसीसी ने बताया है, मोबाइल में उनकी फोटो दिखाई इसने और बताया ये नेता हैं जिनको शूट किया जाएगा। तो इसने ये भी बताया था कि उसको, क्योंकि अभी घबराया हुआ है ये सारी बात नहीं बता पा रहा, तो इसने ये भी बताया था कि जब वो स्टेज से बोलेंगे तो उनको शूट जो है दूर से शूट करेंगे, ये सारी बातें अभी नहीं बता पा रहा, घबराया हुआ है, लेकिन इसने ये सारी बातें स्नाइपर जो है वो लाके उनसे ये करवाएंगे, सारी शूट करवाएंगे। अभी जो बात है वो डरा हुआ है, इसीलिए बार बार हमारी तरफ देख रहा है, इसको हमने समझाया था बेटा तेरे पे कोई बात नहीं होगी, अभी ये बोल रहा है कि आप पुलिस को दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम पुलिस को भी ये बोलेंगे कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको पुलिस के पास दे रहे हैं, ताकि जो इसकी सुरक्षा हो यहाँ, क्योंकि भीड़ में अगर लोगों को पता चल गया तो इसके लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। इसकी बट सर वो तो कहे उन्हीं बंदों में से उन्होंने ऑर्डर दिया है, हाँ तो इसी के बंदे इसको मार सकते हैं ना, तो यही बात है ना कि इस भीड़ में कोई भी हो सकता है, इसके साथ ही इसको शूट कर दे, तो इसलिए हम पुलिस की कस्टडी में इसको दे रहे हैं। किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी इससे पहले क्या करता, तो कुछ बताया होगा। हाँ, इसने पहले बताया था, शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है, तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है, लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं, इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूँ, सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे, तो ऐसी कई बातें इसने, इसका प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या इसने, था? इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूं, उससे आगे नहीं पढ़ा, तो ये सारी बातें ये बता रहा था, तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। एक सेकंड
तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करें, अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन, इनको बोलिए मेरे से कोई क्वेश्चन ना करें, कृपया इस बात पे ध्यान दें, इसकी उम्र कम है, इसको बरगलाया गया है, गुमराह किया गया है, तो ये बात है। अभी तो बालिग हो गई है, अभी तो बालिग है, इसने अपनी उम्र 24 साल बताई थी, 24 साल हाँ, इसने बोला कि मेरी 24 बोला था ना, 21 बोला है कि इसकी 21 एज है तो फिर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है जो पकड़ने की थ्योरी बता रहा था वो आप बता दीजिए डिटेल में कि वो हुआ क्या, कैसे पकड़ा गया, कैसे आपको आप लोगों को इस पे शक हुआ? इसने बताया था जब इसको पकड़ा तो जो लड़के हमारे वॉलंटियर थे उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि पास में खड़े ही बोल रहा था कि लड़की को किसने छेड़ा है। कब कब ये दसो की कल रात की बात है, तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, तो ये झूठ बोल रहा है अपने झूठ से, अभी ये इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, ये झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने जब तब ये बताया था कि हमने इसलिए झूठ बोला कि पंजाब वाले जो लोग हैं जब आप लड़की की बात करेंगे तो वो निकल कर आ जाते हैं, और झगड़ा होगा तो वो कोई ना कोई वेपन्स निकाल लेंगे, ये ऐसी बात तब घुमा के बता रहा था। लेकिन जब इसको थोड़ा सा हमने पूछा कि बेटा सच बताओ तभी तेरा छुटकारा होगा, तो तब इसने बताना शुरू किया कि मेरे को कोई प्रदीप नाम का ऐसा जो है उसने भेजा, वो ये नहीं अभी तक पता चला कि वो किस थाने का है, ये बता रहा है राय का है, लेकिन हमको नहीं पता राय में है या नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि वो मुंह बांध के आता है, भर्ती में आता है, ये क्लियर बात नहीं अभी तक हो पाई कि वो किस थाने का है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन इसको हम बोलेंगे कि ये घबराए ना, इसके कह सकते हैं इसको बचाने के लिए, इसी के आदमी ये खुद बोल रहा है कि मेरे आदमी ने भी धमकी दिया कि तेरे परिवार को मार डालेंगे, इसको बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस को हम बुला रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको भेज रहे हैं, लेकिन हम इसको जो वादा किए हैं अगर तफ्तीश में कोई गलत निकलता है कि इसका कोई नहीं ज्यादा रोल है तो पुलिस को हम निवेदन भी करेंगे, इसको छोड़ दिया था बाद में, लेकिन अभी पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसके बाद की बात। मोबाइल फोन इसके बाद से रिकवर किया, मोबाइल फोन की कवर हो गया है इसका, 24 घंटे स्वाइप करते वो उसमें से ये निकाल देता था सारा कुछ, तो ये सारी बातें जो है इसने खुद ही बोली है। इससे ये भी कुछ बता दीजिए कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी इनका बना हुआ था क्या आपस में? आपका बेटा व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ तुझे मोबाइल चेक किया जी ना, मोबाइल चेक किया नहीं, वो तो इसने बिल्कुल स्वीट था, क्लीन था, उसमें था नहीं कुछ भी, नहीं कुछ नहीं था उसमें। इसने बताया कि जाट आंदोलन में हमको भेजा गया था कि पुलिस की वर्दी पहनकर उसमें आपको लाठीचार्ज करना है, तो ये केवल इसकी इसने ये बताया, हम ये कितना सत्य झूठ है वो यही बता पाएगा, लेकिन इसने ये बोला था कि मेरे को ये भेजा था कि आपको उसमें लाठी चार्ज करना है। देखो एक चीज तुसी ना, तुसी भी कंफ्यूजन हो ते असी भी कंफ्यूजन ते, कि तुसी ये क्लियर करवाओ इहदे कोलों कि जाट अंदोलन दे विच इहदा हिस्सा सीगा, क्योंकि जाट अंदोलन नूं भी 10-12 साल हो गए ने, ते इह 16 हो रहा है कि 4-5 साल पहले की बात है, 16 साल हुण ही होया, जाट अंदोलन किन्नी होंदी सी जाट अंदोलन, ये हुण 21 साल दा, हुण 21 साल दा ते 17 साल दी होगी, 17 साल दी उम्र च इहने वर्दी पा के उत्थे लाठी चार्ज की, हां इह कहिंदा मैं उदों कीता, हुण इह सच्चा झूठे ते इह दस सकदा। 26 तरीक नूं इहने देखो जे स्नाइपर चलाउणी ही इहने, जे इहने स्नाइपर चलाउणी फिर तां इह स्नाइपर नहीं कहिंदा चलाउणी है, आखिर दी गल पूरी तुसीं ध्यान नाल सुणी नहीं, ओह इह कहिंदा कि ओह होर ग्रुप आणा सी, इह नहीं सीगा। अच्छा इक गल होर, देख रेख ते सी भी जिहड़े बंदिआं नूं ग्रुप नूं भेजिआ कि ओह अपना काम ठीक कर रहे ने, जाट अंदोलन च वी शमूलियत सी, मतलब बंदा पुराना जुड़िआ होइआ ना उहनां दे नाल, बिल्कुल बिल्कुल, इह हुण इह भी कह रिहा कि खट्टड़ जिस दिन खट्टड़ वाला मसला होया उस दिन भी ओहदे विच भेजिआ गिआ इहनां नूं। 26 तरीक नूं इहने आम लोकां ते लाठी चार्ज करना सी पुलिस दी वर्दी पा के, नहीं नहीं उसने कहा कि सिर्फ पहले बात मैं
ਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। बात क्या जी चर्चा जो स्टेज का चर्चा हुई थी कि 10 लोग पकड़े गए वो बात गलत है। जो जी लड़का बोल रहा है आराम से सुनिए, जो एजेंसी काम करती है एक को एक काम देती है तो उसका दूसरा देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पूरा पंजाब जी सुन रहे हैं। मेरी मेरी तरफ देखो, इनके ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था, इन्होंने इसका क्या मेथड निकाला कि दो लड़की को एक लड़की को एक लड़का छेड़ेगा तो पंजाबी लोगों का ये समझे हैं कि लड़की की इज्जत करना लड़की को छिड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़ी जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसका इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है वो चेक करना, इसकी ड्यूटी ये थी। ठीक है, तो इसने इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा टच किया, हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि जी आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास जो केबीएस के पास है वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे। ठीक है, आराम से सुनोगे तो अच्छा। लोकेशन को नहीं पता है, पता है मक्खन भोग मक्खन भोग ढाबा है उसके केफ के साथ है, नजदीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग ढाबा है वहाँ एक उसके साथ गली है, वो दो स्थानों पर वो हथियार सप्लाई हो रही थी। ठीक है, और तीसरी बात यह है इनके एक ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायदे करते कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायदे कर रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। जी ढंग था, एक ग्रुप ने ये काम करना था जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था, उससे नेशनल सेंटर हार्ट हो गया। तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो पटकेंगे और रौला डालेंगे, किसानों को बुरा भला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं उनमें से इन्होंने चार फोटो पहचानी है, वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियाँ इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो चार लोगों की इसने फोटो पहचानी, सारा चुप करो, इसने हमें बता दी उनको टारगेट करना था किसी भी तरह ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहाँ ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था, 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए। ठीक है यार, और उसके बाद क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है, पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को, और सबसे जितना गरीब परिवार है उसको वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कि खालिस्तान का झंडा कहीं भी चला दो आपको 25 डॉलर मिलेंगे, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। जैसे नहीं मौके की बात क्या करते हो, तो जहाँ जो अपना है इंडिया गेट उस पर भी चुन गया था, वो चर्चा ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक एजेंसी ने अनाउंस किया है जहाँ कोई खालिस्तान का झंडा चलाएगा तो उसको 2.5 लाख US डॉलर मिलेगी। ठीक है,
नहीं, हम ये चाहते हैं ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान न किया जाए।